दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फैजल शेख यानी कि मिस्टर फैजू खतरों के खिलाड़ी के सीजन 12 में नजर आए हैं और इन्होंने अपने खतरनाक स्टंट से दर्शकों को खूब दीवाना भी बनाया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तो ये खतरों से भरे अपने स्टंट परफॉर्मेंस देने के बाद खतरों के खिलाड़ी को जीत भी चुके हैं, जिस वजह से इन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा ली है। तभी तो खतरों के खिलाड़ी को जीतने के बाद अब इनकी फीस बढ़ने के साथ साथ इन्हें बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो का भी ऑफर मिला है, जहां इन्हें फीस के तौर पर काफी बड़ा अमाउंट दिया जाने वाला है। और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन सब बातों की ही जानकारी देंगे, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अभिनेता फैजल शेख से जुड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां बताया जा रहा है कि फैजल शेख खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के विनर बन चुके हैं। वहीं रोहित शेट्टी ने फैजल शेख को खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की ट्रॉफी थमा दी है। पहले फैजल शेख ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई, उसके बाद इन्होंने खतरों के खिलाड़ी के सीजन 12 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हालांकि इस खबर को लेकर अभी तक किसी भी तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर खबरों के मुताबिक फैजू के फैंस इन्हें खतरों के खिलाड़ी के विनर बनने पर इन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं और इसी वजह से इन दिनों फैजू काफी ज्यादा लाइमलाइट में छा गए हैं। पर ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फैजल शेख ने अब तक हर टास्क को अच्छे से पूरा करने की कोशिश की है। बीच बीच में फैजल शेख अपने फैंस का मनोरंजन भी करते नजर आते हैं और इसी वजह से खबरें तो ये भी सामने आई हैं कि फैजल शेख बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस 16 में भी हिस्सा लेने वाले है। जी हाँ, और बता दे इसमें आने के लिए इन्हें काफी मोटी रकम फीस दी जा रही है, जिसके बाद तो यही खबरें आ रही हैं कि खतरों के खिलाड़ी में इनके अंदाज को देखने के साथ साथ इनकी पॉपुलैरिटी को देखने के बाद मेकर्स इन्हें जरूर बिग बॉस के शो का हिस्सा बनाएंगे और इन्हें इस शो के लिए भारी भरकम फीस भी दी जाएगी। वैसे खबरों की माने तो अभिनेता फैजल शेख को खतरों के खिलाड़ी में एक वीक के 8 से 9 लाख तक की फीस दी जा रही है। वहीं अब खतरों के खिलाड़ी के सीजन 12 को जीतने के बाद तो यही खबरें आ रही है कि अभिनेता फैजल शेख की फीस भी अब डबल हो गई है, जिसके चलते अब बिग बॉस के सीजन 16 में आने के लिए पर एपिसोड 17 लाख ऑफर किए गए और फैजू ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। अगर ये बात सच है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फैजल शेख इस बार के सबसे महंगे कंटेस्टेंट की लिस्ट में अपना नाम शुमार करवाते हैं। बता दें इस बार रियलिटी शो में फैजल शेख के अलावा विवियन डिसेना, कनिका मान और मुनवर फारूकी का नाम भी लगभग फाइनल हो चुका है, पर अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट का नाम फाइनल नहीं किया गया है। वेल, अभिनेता फैजू ने खतरों के खिलाड़ी में तो अपने खतरनाक टास्क और स्टंट से दर्शकों का खूब एंटरटेन किया है, तो वहीं अब फैजू बिग बॉस के सीजन 16 में भी क्या क्या कारनामे करते हैं और ये किस तरह से लोगों का एंटरटेन करेंगे, ये तो देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों, आप बिग बॉस के सीजन 16 में फैजल शेख को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।